रेक्स लाइन फॉर्मेशन जो हमने आप लोगों को बताई थी, उस फॉर्मेशन का यूज अभी तो नहीं, आगे चलकर के हम आपको बताएंगे स्विंग ट्रेडिंग में किस तरह से किया जाता है रेक्स लाइन का, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और किस तरह से सारा प्रोसेस, कुछ और सेटअप्स होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, वो चीजें धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। रेक्स लाइन को बस याद रखिएगा और हमेशा इसके अंदर हम लोग बाइंग करके ही चलते हैं, सेलिंग नहीं करते हैं। तो इस फॉर्मेशन को देखना, और जस्ट हमें चाहिए क्या कि अपनी ये वाली फॉर्मेशन हमें सपोर्ट एरिया पर चाहिए, बिल्कुल लो पर ना, जो तीन कैंडल्स की फॉर्मेशन थी अपनी। फोर पी एन कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक्चुअली ये होते क्या हैं? देखिए, फोर पी एन कैंडलस्टिक पैटर्न्स नथिंग बट फोर इन द सेंस के ये चार अपने पास कैंडल्स होती हैं। पी का मतलब होता है पॉजिटिव एंड एन एन का मतलब होता है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। लेकिन इनके फॉर्म होने की कुछ अपनी टेक्निक होती है, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि अभी तक हमने मार्केट में रियलाइज किए हैं, जिसको हमने देखा और ऑब्जर्व किया है। फोर पी एन कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से, देखिए इसको कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। जैसे कि एक तो पॉजिटिव कैंडल जो सबसे पहले आती है, पॉजिटिव कैंडल में टोटल हमारे पास चार कैंडल्स होते हैं। वीडियोस जितने भी हमने देखे बिल्कुल उसको आप लोगों को देखते ही चले जाना, देखते ही चले जाना। अभी बिल्कुल भी हम उन वीडियोस के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो जो भी चीजें हमने बताई वीडियोस के अंदर है प्रैक्टिस करो। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है लाइव मार्केट में हमसे डिस्कस करो। कुछ प्रॉब्लम हो रही है व्हाट्सएप कर दो, कहीं पर आपने फॉर्मेशंस देखी, फॉर्मेशंस में लेकर के आप स्क्रीनशॉट शेयर करो, तो उसका तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा लाइव मार्केट में अगर फंस रहोगे। हाँ, जरूरी नहीं है अगर हम अपने किसी ट्रेड में हैं तो ट्रेड करते वक्त हम रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेड नहीं चला और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा लाइव मार्केट में। उस चीज़ का बेनिफिट उठाओ, उस चीज़ का फायदा उठाओ, है ना, लाइव मार्केट में सीखने की कोशिश करो। अभी जो चीज़ हम बता रहे हैं इसको देखें, इसको देखिए, ये सिलेबस के बाहर की है लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत काम आएगी आपके। पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या होता है, हमारे पास टोटल चार कैंडल्स होती हैं। यहां पर टोटल कैंडल्स जो होती हैं फोर, है ना, चार कैंडल्स होंगी हमारे पास। इसमें कलर सेम होगा, कलर विल बी सेम, चारों कैंडल्स का कलर सेम होगा पॉजिटिव कैंडल्स। इसमें जो सेकंड रोल प्ले होता है वो होता है वॉल्यूम्स का, है ना। वॉल्यूम्स किस तरह की होती है, देखिए टोटल फोर वॉल्यूम्स बार होंगी इसके अंदर, फोर बार्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट वॉल्यूम जो होगी वो नॉर्मल, एक नॉर्मल वॉल्यूम्स, नॉर्मल वॉल्यूम होगी। सेकेंड वॉल्यूम शुड बी लेस देन फर्स्ट volume, second volume should be less than first volume, इसके बाद में आता है third volume, third volume bar should be less than सेकेंड वॉल्यूम बार, इसके बाद में आती है फोर्थ कैंडल। तो फोर्थ वॉल्यूम कैंडल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड वॉल्यूम बार, है ना। ये हो गया पॉजिटिव कैंडल की निशानी।
इसके बाद में आती है हमारी नेगेटिव कैंडल। अच्छा देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंडल का मतलब क्या होता है? हम इसको सीधे बियरिश या बुलिश कैंडल क्यों नहीं बोल दे रहे? ये कॉमन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ठीक है, नहीं चाहते हुए भी हम उसको बोल देते हैं बुलिश कैंडल या बियरिश कैंडल। कई बार हम बोल देते हैं ये बुलिश कैंडल या बियरिश कैंडल, बट टेक्निकली कोई भी कैंडल आपकी बुलिश या बियरिश कैंडल नहीं होती, कोई कैंडल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कैंडल जिसके अंदर बायर है उसके अंदर सेलर भी तो होते हैं ना, कैसे हम उसको बुलिश कैंडल मान लेंगे? अगर एक कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, आपको हम इसका एक एग्जांपल दिखाएं। देखिए कोई भी कैंडल हमारी अपसाइड की तरफ जा रही है, जैसे ये आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है, हम इसको सिंपली 5 मिनट पर कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक इंडिकेटर यहां से आप खोजो, लिखो वॉल्यूम। वॉल्यूम में नीचे देखिए आपको अप एंड डाउन वॉल्यूम्स दिखेंगी, वॉल्यूम वॉल्यूम वेटेज वॉल्यूम ट्रेंड अप डाउन वॉल्यूम, है ना? पहले तो हम इसका कलर अच्छा नहीं लगता, ये रेड और ग्रीन, इसका कलर चेंज करेंगे। ये चलिए अब देखिए ये एक कैंडल बन गई है। अब इसमें एक नॉर्मल वॉल्यूम अगर हम लोग लगाएंगे तो देखिए ये नॉर्मल वॉल्यूम है अपनी, ये नॉर्मल वॉल्यूम है। अब नॉर्मल वॉल्यूम में और ये वाली जो अप एंड डाउन की वॉल्यूम है, इसमें क्या फर्क होगा? ये वॉल्यूम आपको सिर्फ दिखा देगी कि इसके अंदर कितनी वॉल्यूम आई है, मतलब 3:25 की कैंडल में कितनी वॉल्यूम है। तो समझ में आ रहा है हमको ऊपर की तरफ जो लिख करके आ रहा है यहां पर 26K की, सॉरी लास्ट वाली कैंडल थी 26.672K की वॉल्यूम है, सिंपल लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम ही चीज शो कर रही है। लेकिन जो डाउन साइड की जो वॉल्यूम्स है, ये वाली वॉल्यूम, ये क्या दिखा देती है? नीचे की तरफ वॉल्यूम तो उतनी है बट इसमें कितने बायर हैं कितने सेलर हैं ये दिखा देगी। तो इसे क्या समझ में आ रहा है कि ये कैंडल के अंदर अगर बायर से तो सेलर भी हैं, लेकिन हाँ बायर ज्यादा है अगर हम कंपेयर करेंगे सेलर्स के। यहां पर देखिए कुछ डिजिट्स होंगे, 5.699 और 15.354 को आप ऐड कर दोगे तो निकल के आ जाएगा 26 जो ऊपर है। ये नीचे की अपनी कैलकुलेशन ट्रेडिंग हेल्प कर देती हूँ थोड़ा बहुत, पूरी तरह से डिपेंड नहीं होते इसके ऊपर, लेकिन हाँ कहीं के अगर कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो ये चीज हेल्प कर देते हैं। हमने ये क्यों दिखाया आपको? एक कैंडल जिसके अंदर मे बी बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे, तो इसीलिए हम किसी भी कैंडल को बुलिश या बेरिश नहीं बोलते। हाँ देखिए कॉमन लैंग्वेज में भी जैसा हमने कन्फेस किया कि हम बोल देते हैं, वो निकल जाता है मुझसे ये बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल, लेकिन एक्चुअली वो बुलिश या बेरिश कैंडल नहीं होती, हम उसको नेगेटिव और पॉजिटिव कैंडल बोल सकते हैं। अब कौन सी लैंग्वेज हम यूज करेंगे कम से कम ये मालूम तो होना चाहिए ना हम लोगों को, सेंस तो क्या बोल रहे हैं ये मालूम तो होना, एज अ प्रोफेशनल हमें मालूम होना चाहिए। हाँ 2-4-5 के लिए 10 के लिए टाइम पास करने हैं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलिए आवाज आती है। अब जिस तरह से ये पॉजिटिव कैंडल थी, ये हो गई हमारी नेगेटिव कैंडल। अब नेगेटिव कैंडल्स के कौन कौन से रोल होते हैं इसके अंदर? टोटल कैंडल्स इसके अंदर जो भी होंगी, टोटल कैंडल्स यहां भी हमारी 4 ही होती हैं, है ना? कलर विल बी सेम, वॉल्यूम वॉल्यूम बार 4 वॉल्यूम बार्स होंगे। फर्स्ट वॉल्यूम सिंपल नॉर्मल, सेकेंड वॉल्यूम शुड बी लेस देन फर्स्ट वॉल्यूम बार। थर्ड कैंडल आपकी, थर्ड वॉल्यूम बार शुड बी लेस देन सेकेंड
वॉल्यूम बार, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ वॉल्यूम बार शुड बी ग्रेटर देन थर्ड वॉल्यूम बार। लीजिए, इतनी सी चीज क्लियर? दोनों चीजें सेम है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर जो कलर होगा हमारा ये रेड कलर में शो होगा और यहां पर ग्रीन कलर, ये इसको पॉजिटिव बना देती है और ये इसको नेगेटिव बना देती है, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम्स के थ्रू यहां पर किस तरह से हम इसको डिकोड करते हैं। वॉल्यूम्स नेगेटिव कैंडल से शुरू करते हैं, नेगेटिव कैंडल, फर्स्ट कैंडल नॉर्मल कैंडल, ओके। सेकेंड कैंडल वॉल्यूम शुड बी लेस देन फर्स्ट वॉल्यूम, तो ठीक है, ठीक है, लेस तो ऐसे हो जाएगी। इसके बाद में थर्ड कैंडल, थर्ड वॉल्यूम बार शुड बी लेस देन सेकेंड वॉल्यूम बार, ओके, इस तरह से बन जाएगी। फिर फोर्थ वॉल्यूम बार शुड बी ग्रेटर देन थर्ड वॉल्यूम बार, थर्ड से बड़ी होनी चाहिए। फर्स्ट के सॉरी सेकंड के ऊपर नहीं निकले, फर्स्ट के ऊपर नहीं निकले, फिर वो दूसरा सिम्टम हो जाता है। सिर्फ थर्ड से ऊपर रहेगा, एक लाइन इसके अंदर हमें और ऐड करनी चाहिए कि आपकी फोर्थ वॉल्यूम शुड बी लेस देन, फोर्थ वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन थर्ड वॉल्यूम एंड लेस देन सेकेंड वॉल्यूम। लिख देते हैं अपन, आपकी फोर्थ वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन थर्ड वॉल्यूम बार एंड लेस देन थर्ड 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 सेकेंड सेकेंड वॉल्यूम बार, ठीक ना, अब क्लियर हो जाएगा इस तरह से। पॉजिटिव वे में लेकर के अगर हम इसको आएंगे तो ये किस तरह की बनेंगी, वन टू थ्री, इसके ऊपर नहीं निकले है, सिर्फ इसके ये दोनों कैंडल्स मिलकर के कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म करनी चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अच्छा, यहाँ पर प्राइस किस तरह का मूव करेगा आपका, प्राइस कैसा, वो कैसा भी हो सकता है, मतलब सिंपल। अब जब देख रहे हैं हम इसको तो यहाँ तक लेकर के आएंगे और बाद की जो कैंडल बनेगी ये भी यही इस तरह से कहीं से बन जाएगी, मे भी हो सकता है तो आपकी फोर्थ वाली कैंडल आपकी मदर कैंडल बने, जितना अभी तक हमने ऑब्जर्व किया है ज़्यादातर केसेस में फोर्थ कैंडल ये दोनों मिला करके एक मदर कैंडल फॉर्म कर देती हैं, और नहीं तो फिर जो फोर्थ वाली इसमें किस तरह से एक दो तीन कुछ इस तरह की बन जाती है। ये पैटर्न है, ये आपको करना है फाइंड, है ना, इतना सा काम करना है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, देखिए जो हमारी फर्स्ट कैंडल है ये तो नॉर्मल कैंडल हो गई, है ना, बट सेकंड कैंडल का कैसा होता है कि यहाँ पर बायर्स तो आए हैं, नो डाउट बायर्स आए हैं, बट डाइवर्जन हुआ है, कम वॉल्यूम के साथ आया, वॉल्यूम उतनी नहीं है। इसके बाद में फिर हमारे बायर आ रहे हैं, मतलब देखिए आपकी उसको चलिए सेलर से ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देखिए सेलर तो आए हैं, ठीक है, नॉर्मल सेलर्स, इसके बाद से एक्टिविटी देखिए क्या हो रहा है, यहां पर सेलर्स तो आए हैं बट लेस, फर्स्ट से कम आए,
थर्ड में उससे भी ज्यादा कम आ गए। न्यूमेरिकल नंबर्स में या फिर न्यूमेरिक्स में ही बेसिकली या ज्योतिष शास्त्र में इन नंबर्स का अपना कुछ महत्व होता है। ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 3 है आप इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप 4 को कर सकते हो, आप 5 को नहीं कर सकते, आप 7 को नहीं कर सकते, आप 9 को नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिवाइडेड नहीं होते हैं, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। 3, 7, 9 हम लोग यहाँ पर 3, 7 बाकी को छोड़ दीजिए, 7, 9, 13 और 17 इन सबसे मतलब नहीं, इनको हम सिर्फ फर्स्ट नंबर अपना लेकर के चलते हैं 3, एक के बाद में फर्स्ट नंबर, क्योंकि एक कैंडल का हम लोग क्या करेंगे, कैंडल्स का ग्रुप बनाने, तो 2 से ज्यादा कैंडल्स होनी चाहिए, तो एक के बाद में जो कैंडल्स निकल के आएंगी एक के बाद में जो कैंडल निकल के आएंगी वो 3 है, क्योंकि एक के बाद में तो 2 आ रहा है, 2 के बाद में 3। अब इन 3 नंबर्स को हम लोग उठा लेते हैं, लगातार 3 बार अगर आपकी वॉल्यूम कम हुई है एक ही टाइम फ्रेम पर, मतलब कि कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंट बनने जा रहा है पॉइंट। 4 बार भी लगातार अगर कम होगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो दूसरी चीज हो गई, 1, 2, 3, 4 फिर ये दूसरी चीज हो गई, क्योंकि कैंडल्स यूं ही नहीं बनती हैं, इसमें कुछ प्राइस एक्शंस को मैच कर दो तो ये दूसरा पैटर्न बन जाएगा हमारा, लेकिन अभी जिस चीज को हम देख रहे हैं वो इसको नहीं देख रहे हैं, अभी हम देखना चाह रहे हैं नीचे जो पैटर्न हमारा बना हुआ है ये वाला, हम इसको देख रहे हैं। तो 3 बार हमारी वॉल्यूम्स लगातार एक ही टाइम फ्रेम पर कम हुई, इसके बाद में जो वॉल्यूम से मेरी 4th कैंडल की वो इंक्रीज हो गई, वो बढ़ गई। मतलब कि यहां पर इन नंबर्स की अपनी इंपॉर्टेंस खत्म। अब अगर 4 बार हो जाता तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स में नहीं आता। 4th कैंडल जो बनी और जिसने वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट कर दिया अपसाइड की तरफ, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। आप देख लेना जहां पर भी आपको ये पैटर्न मिल जाएगा, अगर रेड कैंडल फॉर्म हो रही है तो उसका लो एज अ सपोर्ट काम करेगा, और अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो ग्रीन कैंडल का हाई एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये दोनों के दोनों टूल है आपके रेजिस्टेंस और फिर सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने का। अभी तक जितने हमने मेथड्स बताए वो तो हैं ही, एक ये भी है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, अब ये सपोर्ट बन जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहां पर फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल और ये अपन फोर्थ कैंडल, जो लो है इसका ये सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट लेवल। अब सपोर्ट आपके पास निकल आया, रेजिस्टेंस आपके पास निकल आया, क्या करना है ये बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वीडियोस में आप देख रहे हो, और भी ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करना नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस ही है, वही हम लोग आगे की तरफ अपना लेकर के जाएंगे। समझ में आ गया ना, क्लियर है ना सब कुछ, बहुत इतना कुछ हार्ड वगैरह नहीं है, चुटकियों में समझ में आने वाली चीज है, वही आपके लिए भी कैंडल्स बन रही है, मेरे लिए भी कैंडल्स फॉर्म हो रही है, बस वो देखने का नजरिया है अपना अलग अलग, किस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं। ये कुछ पैटर्न्स हैं, आप इसका यूज करो, आप देखो कितना आपको बेनिफिट मिलता है इसके ऊपर, बहुत अच्छी तरह से। प्राइस एक्शन के कुछ टूल्स हैं, ये बहुत कीमती टूल्स होते हैं, इनको डेवलप करो और अच्छी तरह से इन्हें डेवलप करो, किस वे में, किस माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस ये मालूम होने करने क्या जा रहे हैं। अभी हम आपको चाहे जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज बता दें, हम चाहे जितना भी आपके बारे में अच्छा समझ लें या अच्छा हम आपको समझा लें, कल को इतनी सारी मेहनत करने के बाद में फिर से आप अपना सेगमेंट चेंज करके और कूद जाओ कहीं और, समझ रहे हो आप चले जाओ निफ्टी में और बैंक निफ्टी में और डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर ऑप्शंस में काम करने के लिए, बिना प्राइजेक्शन को पकड़े, बिना इक्विटीज में परफेक्ट हुए आप चले जाओ डेरिवेटिव्स में काम करने, खाली कर दोगे अपनी जेब, नहीं बचता है कुछ भी खरीदने भर का आपका पैसा आपके पास। जब हर जगह से लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, कुछ करने को नहीं बचता, यार तो पैसा भी नहीं बचा, अब क्या करें। कई लोगों के ऐसे कॉल आते हैं, और पर सर अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, सर प्लीज सिखा दो। तो हम क्यों सिखा दें, आपके पास लुटाने के लिए लाखों रुपए थे, सीखने के लिए आपके पास पैसे नहीं, तो हम क्यों सिखा दें आपको, हम नहीं सिखा देंगे।
इस चीज को समझो ना, क्यों अपनी जेब खाली करने के पीछे या फिर बिना फालतू की चीजों के पीछे क्यों आप पैसा अपना वेस्ट करो, बर्बाद करो। बहुत कमी एजुकेशन की, सबको मालूम होना चाहिए कि क्या करना है, सबको सीढ़ी मालूम होनी चाहिए, मार्केट में काम करना है इक्विटी पढ़ो पहले, इक्विटी के बारे में समझो सीखो, जितने भी पैटर्न्स हम बता रहे हैं ना इसको एक वे में यूज करो ना, इक्विटी में आओ, इक्विटी में प्रैक्टिस करो, लॉस कम होगा, सस्ते में अच्छी चीज ज्यादा दिन तक सीखोगे आप। अभी इन्हीं पैटर्न्स की प्रैक्टिस सब चले जाओ डेरिवेटिव्स में करने के लिए, करो आप एक लॉट ले लो, आप होल्ड नहीं कर सकते उसको 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि यूं चुटकियों में आपको 1000 से 1500 का लॉस दिखा देगा। अब स्ट्रेटजी तो एक किनारे चली गई ना, अब तो आपका सारा का सारा ध्यान 1500 रुपये, 1000 के, 2000 रुपये के लॉस पर चला गया, आप कहाँ सीखना, आपका तो वो सीखना वैसे ही खत्म हो गया। डेरिवेटिव्स में कोई सीख पाया है आज तक? कोई ये सारी चीजें नहीं बताएगा आपको, खुद ब खुद ये आपको खुद ही समझनी पड़ेगी। सिर्फ हम आपसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी आप इतना टाइम दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सारी मेहनत आपकी मिट्टी में मिल जाएगी अगर आपने सेगमेंट चेंज करके दूसरे सेगमेंट में जाकर के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। काम ये हर जगह करेगी, क्रिप्टो में भी काम करेगी, डेरिवेटिव्स में भी काम करेगी, स्टॉक में भी काम करेगी, MCX में भी काम करेगी, हर जगह काम करेगी। जो भी सिस्टम बताएंगे ना वो हर सेगमेंट में काम करेगा, हर जगह काम करेगा। लेकिन कब यूज करना है ये मालूम होना चाहिए। विदाउट एक अच्छा एक्सपीरियंस लिए बगैर किसी दूसरे सेगमेंट में मत जाओ, अच्छे से सीख लो, समझ लो, उसके बाद में फिर सेगमेंट अपना चुप्पे से चेंज कर दो उसको, उससे पहले नहीं। चलिए अब चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे उसको हम लोग। नेट स्लो हो गया, ठीक है, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डे टाइम फ्रेम पर आ जाइए, हटा दीजिए प्राइस को, वॉल्यूम्स देखिए, जो स्ट्रक्चर हमने बताया वो स्ट्रक्चर फाइंड करो, लगातार एक ही कैंडल की हमें चाहिए कितनी, ये देखिए मिला, वन नॉर्मल कैंडल, लेस देन फर्स्ट कैंडल, लेस देन सेकेंड कैंडल और ग्रेटर देन थर्ड कैंडल, लेस देन फर्स्ट कैंडल, मिल गया पूरा पैटर्न 1, 2, 3, 4। अब आप देखना यहाँ पर प्राइस करता क्या है, हमने मालूम नहीं है प्राइस ने क्या किया, लेकिन जरूर वहां पर कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा ऐसा कि खुद देखिए, जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ होगा। प्राइस हमारा ऊपर से गिर रहा है, इस जगह से गिरा और यहां पर आकर के ये रुका है, तो इसका हाई बनेगा एक रेजिस्टेंस पॉइंट, है ना। ग्रीन, अब रेड कैंडल है हमारी, कोई रेड कैंडल अगर गिर रही है तो 1, 2, 3 ये गिरी, ये पॉइंट मतलब हाई एक इसका रेजिस्टेंस पॉइंट, अगर ग्रीन कैंडल मतलब ऊपर जा रही, मतलब लो एक सपोर्ट एरिया यहां। चलिए अब यहां पर क्या हुआ है, हाई से प्राइस हमारा गिरा, ये बन गया इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट। हमने क्या मार किया, हमने तो कुछ मार के नहीं किया ना, हमने सिर्फ ये देखा कि हमारा पैटर्न कहां पर फॉर्म हो रहा है, दिख गया हमको लो कहां पर बन रहा है, 1, 2, 3 फोर्थ कैंडल यहां पर आकर के रुक जा रही। आप देख लो यहां पर हुआ क्या है, क्या यही टॉप नहीं है हमारा, क्या लगता है आपको कि इस छोटे से टूल से आप क्या कर सकते, वो छोड़ दीजिए, अभी बाइंग सेलिंग अभी करवानी नहीं है, बहुत आसान चीज है, बाइंग सेलिंग करवाना बहुत आसान है, बहुत इजी करवा देंगे अब। क्या बाइंग सेलिंग करने से ज्यादा जरूरी ये नहीं कि डे टाइम फ्रेम पर अपने लेवल की मार्किंग को इतना प्रैक्टिस कर दिया जाए, इतना अच्छे से समझ लिया जाए कि फिर प्रॉब्लम ना हो कुछ, देख पा रहे ना, बिल्कुल सिंपल है। आप हाई एंड लो मार्क कर लो, देखो हाई एंड लो के पास में वही रेजिस्टेंस वही सपोर्ट बन जाएगा। अभी सबके हम माइक अनम्यूट कर देंगे, कुछ अगर डाउट होता है उसको क्लियर कीजिएगा, है ना, एक एक डाउट क्लियर कर लीजिएगा इसका। फिर से देखिए Havells रुक 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 जाता है बार बार, अब कहां पर बन रहा है, ये मत लीजिएगा, जैसे ये है ना यहां पर देखिए कलर दूसरा हो गया, कलर में सेम चाहिए, यहां पर भी देखिए ये भी पैटर्न अपना नहीं है, ये XVRL बन गया, इसकी जरूरत हमको नहीं है। 1, 2, 3 ये देखिए बना,
वन टू थ्री फोर, हो गया ना। फर्स्ट नॉर्मल कैंडल, सेकंड कैंडल लेस देन फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल लेस देन सेकंड कैंडल, फोर्थ कैंडल ग्रेटर देन थर्ड कैंडल और लेस देन सेकंड कैंडल, पूरा पैटर्न बन गया। आप हाई एंड लो मार्क कर लो, उसके बाद देखो। यही आपका लो और सपोर्ट बन जाएगा, लो ये हाई, यही है ना, वन टू थ्री और फोर। हाँ चलिए, अब देख लो आप हैवेल्स ने क्या किया होगा। बन गया ना, इसी जगह से देखिए इसके अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं। ये स्विंग लगा आपका, स्विंग हाई। इसके बाद में देखिए वापस जब प्राइस हमारा नीचे की दिशा में आया है तो मूवमेंट्स, और फिर से हमारा प्राइस अभी उसी रेंज के अंदर है। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि टर्निंग पॉइंट आ गया, ये ऊपर की तरफ चला गया फिर ये गिर गया। अभी हम इसको एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ मानेंगे। अब यहां से अपनी रीडिंग स्टार्ट होती है, यहां से अब जो नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट टूल अपना होता है वो रीड करने का होता है। कितने ही ट्रेड यहां पर हम लोगों को मिलेंगे, कितने ही ट्रेड, जब जब प्राइस आपका इस वाले लेवल पर ट्रेड करेगा ना, जब जब यहां पर टच करेगा हम लोग तब तब ट्रेड करेंगे। सिर्फ अपने जो ट्रेंड है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा इस वाली जगह पर, बीच में कुछ नहीं, इन बिटवीन कुछ नहीं करना है। प्राइस अगर हमारा 1234.95 पर है, हम लोग ट्रेडेबल प्राइस है, हम ये मान करके चलेंगे इसको। ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, सेल करो, बाई करो, सेल करो, सेल करो, जितनी बार भी मौका मिलता है आप मारो, ट्रेड मारो, नहीं जाएगा स्टॉप लॉस। फिर से प्राइस नीचे की दिशा में है, इन बिटवीन ट्रेड मत करो, बस इन बिटवीन ट्रेड करने से बचो। फिर से प्राइस आपकी रेंज में आ जाए ना, मारो ट्रेड, आप यहां पर ट्रेड करो, इस जगह पर ट्रेड करो, गिर ही गया है वो, फिर से इस लेवल पर आएगा, फिर से ट्रेड मारोगे। बहुत कम पैटर्न्स देखने को मिलेंगे आपको, बहुत कम। अब यहां पर देखिए, जैसे इसमें अमेरिकन एयरलाइंस का चार्ट है, कुछ नहीं है, एप्पल 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 एप्पल, आर्थ इंडस्ट्रीज इसमें तो होना चाहिए, आरती इंडस्ट्रीज, आरती में हमने देखा था, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, ये पैटर्न पूरा का पूरा मिल रहा है हम लोगों को। एंड इनके हम लोग सिंपली जैसा भी हमने बताया, एक हाई और लो, सेम लेवल, यहीं से जो भी काम करना है पूरा का पूरा आपको शॉर्ट करना है, बाइंग करनी अपने लेवल के पास में करना। एक बात याद रखना, ये जो लेवल्स निकल करके आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। लेवल को देख करके अब जस्ट ये हमने सिम्टम आपको बता दिया, ये एक टूल जैसे सिंपल सा टूल है ना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं, सिंपल सा टूल बता देने के बाद में अब आपको कहीं पर भी ये देख रहा तो मार्क नहीं कर लिया जाएगा, मतलब कहीं पर भी मार्क करके आप ट्रेड नहीं करने लगोगे। मार्क कर देने के बाद में अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, किस तरह से रीडिंग हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर 642.50, यहाँ पर ये तो लेवल तो निकल आया, 615 का भी निकल आया। अब रीडिंग कैसे की जाएगी कि प्राइस इस वाले लेवल पर आ रहा है तो यहाँ पर क्या मूवमेंट्स हो रही है, कोई एक मदर कैंडल बन रही है, सिंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, रेजिस्टेंस बन रहे हैं, सपोर्ट के टॉप्स बन रहे हैं ना, उस तरह से रीडिंग होगी। अब प्राइस ने अप में जाते हुए यहीं पर वॉल्यूम्स क्यों इंक्रीज करी, सेम लेवल पर ही वॉल्यूम्स क्यों बार बार इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर भी देखिए वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई, इस जगह पर यहाँ पर वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई, फिर इस जगह पर वॉल्यूम इंक्रीज हुई, फिर यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुई, इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस बन जाता है। तो कोई बड़ा मूव आप देखोगे, कोई बहुत बड़ी रैली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये रिवर्सल्स का काम करते हैं। छोटी सी चीज़ें देखिए, नेक्स्ट वीक में जो अपनी नेक्स्ट सैटरडे को जो क्लास होगी ना, उसमें और इसके आगे बताएंगे कई काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम लोग फिल्टर करेंगे और एक स्टेप इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस पूरे वीक में सिर्फ इतनी सी ही प्रैक्टिस करनी है। होता है कई बार, अभी इस वीक हो सकता है कि जब आप आरती इंडस्ट्रीज को देखो तो मे बी इसमें आपको ये फॉर्मेशन दिखाई ही ना पड़े, जबकि वो सामने ही रहेगी और दिखाई नहीं पड़ेगा, पीछे निकल जाओगे, फिर पता चलेगा अच्छा यहाँ पर भी तो देखिए बन रही है फॉर्मेशन, इसको भी तुम लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर भी आप मार्क करो। ये सारे के सारे रिवर्सल्स के पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ये देखिए इसने एक स्विंग बना दी, स्विंग के बाद में देखिए मार्केट सीधे वहीं से नीचे है, आप मारो ट्रेड।
पूरे वीक आपको सिर्फ यही काम करना है। अभी इसके ऊपर हम लोग एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे। पूरे वीक आप लोग काम करोगे, स्क्रीनशॉट्स लेकर के हमें शेयर करोगे, और फिर हम एक स्टेप और आगे की तरफ बढ़ के फिर उसको और अच्छी तरह से हम समझाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वन पॉइंट टू थ्री वन और ये वन पॉइंट, यहां पर देखिए ये भी मिली फॉर्मेशन। यहां पर देखिए 11, 12, 13 और ये 14 स्विंग्स मार्क कर लो बस आप। लो और हाई करो आप ट्रेड। इससे सही, इससे और ज्यादा क्या चाहिए हम लोगों को? ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए लेवल्स की तो डिमांड होती ना, मिल गए लेवल्स। अब करो अपनी प्रैक्टिस, फर्स्ट स्टेज में हो ना, नहीं मार्किंग समझ में आ रही किस तरह से मार्किंग की जाएगी, क्या रीडिंग की जाएगी, इस तरह से मार्किंग मिल जाएगी। ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, एंट्रीज के पोर्शंस बनाओ, स्टॉक कब ट्रेडेबल है कब ट्रेडेबल नहीं है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। इतना सा काम में करके दो, लेवल ड्रॉ करने के बाद में ये चीज हमेशा देखिएगा कि किस तरह से लेवल आपके निकल रहे, किस तरह से लेवल्स नहीं निकल रहे। कई बार होगा इस तरह से आप लेवल्स ड्रॉ करोगे, ठीक है टेक्निकली सही है, बट वो लेवल्स सही नहीं होते हैं। तो उनमें और इस वाले लेवल्स में फर्क समझने की कोशिश करो, क्या फर्क हो रहा है, वो ट्रेडेबल है पॉइंट्स या नहीं है। अब देखिए प्राइस ने इसी जगह पर अपना सपोर्ट बना दिया, और सपोर्ट के बाद में देखिए कहाँ चला गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं ना। आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर हमने ये लेवल देख करके मार्किंग थोड़ी ना की है। अभी जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे उसी चीज़ को जस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश की, यहाँ पर हमें लेवल देखे, लेवल मार्क कर लिया। अब ये हमने नहीं देखा कि यहाँ पर ये स्विंग बना रहा है या सपोर्ट बना रहा है, ये बेसिकली यही इसका लो पॉइंट है। यहाँ पर हमने अपनी फॉर्मेशंस देखी, मार्क करी और स्टॉक वहीं से ऊपर है। इस चीज की प्रैक्टिस करके बहुत बहुत तो एक तरह से हेल्प करने वाला है ये आपकी। अभी सर क्या कि यहाँ पे सर फॉर्मेशन डिस्कस नहीं कर सकता सर, बट फॉर्मेशन आपने सिखाया तो सर उसमें कौन सा फॉर्मेशन अपने को किस हिसाब से, क्योंकि दो अलग अलग है तो सर वो जरा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसमें रेंज बाउंड के खुल करके डिस्कशन वहां पर करेंगे। ठीक है होता नहीं था पहले, आपको तो याद होगा। हाँ हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर मैं फॉर्मेशन यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता सर। बस नेक्स्ट क्लास तक का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए, और नहीं तो कुछ अगर लाइव मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है, बाकी उसके अलावा भी जो काफी ज्यादा अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो कॉल कर लीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे उसको हम। नहीं मेरे फॉर्मेशन सर मैं आपको सब भेज रहा हूँ, इस बार पिछली बार के मुकाबले इम्प्रूवमेंट सर आप देख लीजिए, मतलब जो बना के भेज रहा हूँ जो पता चल। बाकी लाइव मार्केट में सर गया ही नहीं हूँ उस दिन के बाद, अपनी जो बात हुई थी। अच्छा अच्छा, एनसीसी वाली बात, उसके बाद हुआ ही नहीं कुछ। फिर भी आपको निफ्टी की फॉर्मेशंस में प्रॉब्लम आ रही तो कॉल कर लीजिएगा, हम कॉल पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है फिर, किसी भी तरह के हैंड राइज नहीं है, हम ये मान करके चलें कि कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं है मार्किंग करने में और फिर फॉर्मेशंस फाइंड करने में, सिंपल है। गोविंद जी, मैं जी हाँ बोलूं सर, ये बोल रहे थे जो क्लास फाइव है ना हम लोग का सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। देखिए वहां पर क्या क्लियर नहीं आपको हम बताएं, सीधे चले जाइएगा वो स्टार्टिंग जो है ना। हाँ सुनिए सुनिए, देखिए आपको क्या करना है, वीडियो का जो स्टार्टिंग है ना वहीं पर में जो स्टार्ट करते हैं आप, तो वहीं पे लगता कुछ छूट रहा है, वही हमको समझ में नहीं आ रहा। सुनिए आप वहां पर करिएगा NSE फुल डाउनलोड, ठीक है सर, सिक्योरिटी वाइज आर्काइव आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लिक कीजिएगा राइट कॉर्नर पर, यहाँ पर देखिए आपके पास ओपन क्या आएगा, पेज ओपन हो जाए पहले, कहाँ है ये देखिए फुल डाउनलोड लिखा हुआ है। कहाँ है ना, फुल डाउनलोड पर एक क्लिक कीजिए, पूरी फाइल आपकी डाउनलोड हो गई। ठीक है, यही छूट रहा था आपका।
ठीक है सर। एक लव मैं कम्यूट कीजिए अपना। हाँ हेलो सर जी, एक लव सब बोलिए। सर वो जो स्टॉक सिलेक्शन का जो एक्सेल फाइल है वो मिलेगा क्या? हम बनी बनाई एक्सेल नहीं देंगे आपको, खुद बनानी पड़ेगी वो। बाकी आगे चल करके हम तो उसको बिल्कुल शॉर्टकट आपको दे देंगे। शॉर्टकट का मतलब कि स्कैनर दे देंगे, उतनी बड़ी एक्सेल फाइल आपको बनानी नहीं पड़ेगी, बनानी आनी चाहिए बस। कहाँ पर कौन सा डाटा मिलेगा, डाटा को 2 दिन के डाटा को किस तरह से कंपेयर करके नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक्स निकल गए, प्रोसेस आपको मालूम हो। नहीं समझ रहे मतलब हम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं सर? एकलव जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। हम क्या बोल रहे हैं? वो खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो एक्सेल में। हाँ आपको मालूम होना है कि अब जैसे ये फाइल है, ये हमने डाउनलोड कर ली इसको, चलिए ये है, ये हमने डाउनलोड कर लिया, अब ये ओपन हो रही है एक्सेल फाइल खुली। अब आपको मालूम तो हो कम से कम कि यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं, ये सिंबल्स हैं, ये यहाँ पर हमें प्री क्लोज प्रीवियस क्लोज प्राइस मिल जाता है, हमें ओपन प्राइस मिल जाता है, इसमें हमें हाई प्राइस मिल जाता है, इसमें हमें लो प्राइस मिलता है, लास्ट प्राइस मिलता है, क्लोज प्राइस मिलता है, एवरेज प्राइस मिल जाता है ना, वॉल्यूम मिल जाती है, डिलीवरी वॉल्यूम मिल जाती है, डिलीवरी वॉल्यूम के परसेंटेजेस मिल जाते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज मिल जाती हैं, ये सब कुछ मिलता है। कहाँ मिलता है? इस जगह पर, यहाँ पर मिल जाता है। तो अब आपको देखिए एक 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 नॉलेज आपके अंदर वो हुई ना, आपको पता चला ना कि अच्छा इस तरह का भी कोई डाटा जो कि यहाँ पर मिल जाता है, और ये फुल डाउनलोड वो फाइल है जिसमें कि एनएससी के अंदर जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं, एक दिन में उन्होंने कहाँ तक हाई लगाए, कहाँ तक लो लगाए, कितनी वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेड हुई है, वो सब कुछ वहां मिलेगा आपको, सब कुछ। आपको मालूम पड़ा ना कि अच्छा ऐसा भी कुछ डाटा होता है। हो सकता है इन फ्यूचर जब आपकी स्टडी आगे की तरफ ग्रो हो, जब आप अपनी चीजों को और इम्प्रूव करना चाहो, तो आपके आपको ये मालूम रहेगा कि हो सकता है आपको इस डाटा की जरूरत आगे चल करके पड़े तो आपको याद है। समझ रहे हैं ना, एक्सेल फाइल हमने जिस तरह से वीडियोस में बनाने सिखाए, वो एक्सेल फाइल एक्चुअली आपको मालूम है, आपको बनानी आती है, उसमें कई नई चीजें हमने ऐड की, मतलब पहले नहीं थी उस एक्सेल फाइल में, बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो एक्सेल फाइल में एक्चुअली इस तरह से बनती है, इस तरह से हमारा डाटा कंपेयर किया जाता है, ये बस आपको मालूम हो। वरना देने को तो हम वो भी आपको दे सकते थे, स्कैनर फटाक से, उतना बड़ा वीडियो बनाना हमारे लिए आसान था, ये स्कैनर फटाक से छोटा सा स्कैनर शेयर करना आसान था। खुद समझिए इस चीज को, फाइल बनाना सीखो, फाइल बनाकर मुझे शेयर कर दीजिएगा, बाकी हम आपको स्कैनर शेयर कर देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, लेकिन फाइल बनानी आनी चाहिए आपको। वो होता है ना कि एक छोटा सा एक बिजनेसमैन भी है, मान के चलिए कोई कैमरे का ही बिजनेस है अगर किसी का, वो कैमरा वो रेंट पर देता है, तो जो उसका मालिक है, मोस्ट प्रोबेबली चांस ऐसा होगा कि उस ओनर को एक एक कैमरे की नॉलेज होगी, उसको कैमरा चलाना आता होगा, हो सकता है उससे अगर कोई कैमरा खराब हो गया तो उसे ठीक करना भी आता होगा, लेकिन वो कर नहीं रहा है वो, क्योंकि अब ओन कर चुका है, वो उसका ही बिजनेस है, तो बैठा है एक चेयर पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं वो चेयर पे बैठा है तो उसको कुछ आता नहीं, उसको आता है, जरूरत पड़ेगी तो वो काम भी कर सकता है। तो इसीलिए आपको वो एक्सेल फाइल बनानी आनी चाहिए। हम आपको स्कैनर दे देंगे, स्कैनर के थ्रू आपको काम यूं फटाक से हो जाएगा, लेकिन बाई चांस मान लीजिए वो स्कैनर नहीं आपको यूज करना, आपको एक्सेल फाइल से काम चलाना है ना, तो एक्सेल फाइल भी आपको बनानी आनी चाहिए, सिर्फ इसलिए हम करवा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है। अक्षय मैं कम्यूट की शक्ति। नमस्ते सर। अक्षय आप अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए, माइक आवाज इको हो रही है। हाँ ठीक है सर। जी अक्षय अब बोलिए आप। एक मिनट सर। हेलो जी अक्षय बोलिए।
हाँ जी, आपने जो चार्ट दिखाया था जीबीपी यूएसडीटी था सर, और मैं जीबीपी यूएसडी पूछ रहा था सर। उसको भी देख लीजिएगा, सेम ही होगा। हाँ मतलब मुझे सवाल इतना ही था सर कि ये फॉरेक्स के लिए मतलब टाइम फ्रेम 4 आवर ही रखना है, मतलब क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों के लिए? हाँ, 4 आवर रखेंगे। ये ब्रिटिश पाउंड है क्या, यही है जीबीपी यूएसडी? जीबीपी यूएसडी, हाँ सर यही बराबर, जीबीपी यूएसडी सर। हाँ जीबीपी यूएसडीटी, जीबीपी, इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम है। ये बिटस्टैम्प ये क्रिप्टो है सर, वो फॉरेक्स में है सर, जीबीपी यूएसडी सिंबल। हाँ हाँ फॉरेक्स में, हाँ यूएसडी, हाँ ये सर बराबर पहला। ओके यहाँ पर सही है, हाँ ये ठीक है। हाँ तो यहाँ पे भी मुझे अगर वो 4 PM कैंडलस्टिक देखना है तो 4 आवर ही रखना है। हाँ देख लो, हाँ और कोई भी क्रिप्टो होगा तो वहाँ पे भी 4 आवर ही रखना है। हाँ 4 आवर, 4 to 15। ठीक है सर, बस इतना ही पूछना था सर, शुक्रिया सर। ओके थैंक यू। पंकज जी मैं कम्यूट कीजिए अपना। सर टाइटन में 5th, 6th, 7th, 8th मई का 2022 का फॉर्मेशन बन रहा है, तो अभी इसमें के एक साथ मतलब क्या है कि पहले 3 कैंडल फिर चौथी और छोटी बनी और उसके बाद 5वीं फिर उससे बड़ी बनी, तो इस टाइप में इस कंडीशन में फिर बीच की 3 कैंडल पकड़ के ये फॉर्मेशन हम जबरदस्ती पुट हाँ, करेंगे ले कि लेंगे, मतलब ये बन ले रहा है लेंगे, ऑफिस? ले लेंगे ले लेंगे। डेट क्या बताइए आपने? 5th मई 22 तो 4 आवर लगा है, सॉरी। फिफ्थ में ये ना, अब इसमें कैसा 3 बन गया है, उसके बाद अपन अपनी 4 कैंडल उठा के ये फॉर्मेशन दिख रहा है। ये बहुत एक तरह से ना ये कॉन्टिन्यूएशन में पैटर्न्स आ जाएंगे, यहाँ पर एक्चुअली स्विंग नहीं मिल रहा हम लोगों को। अच्छा रहेगा कि इसके फॉर्मेशन मैंने कहा बराबर वही वही पूछे, क्योंकि ये कंफ्यूजन मुझे बाद में खड़ा होने ही वाला था सर, इसलिए मैंने जरा पहले ही क्लियर कर। यहाँ पर देखिए स्विंग नहीं बन रहा, अगर स्विंग बन रहा होता, अगर स्विंग बन रहा होता तो एक बार हम कंसिडर कर भी लेते, लेकिन ये कॉन्टिन्यूएशन में पैटर्न है, इस तरह के पैटर्न से बचिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ओके थैंक यू सभी लोगों को, और मे भी हो सकता है हम कल के दिन ये वीडियो पब्लिश करें, है ना, तो अगर रिविजन की अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो वापस से देख लीजिएगा। बाकी आप लोग एक काम करिएगा, इसको मार्क करके हमें शेयर करिएगा, और इसके आगे एक स्टेप और है वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, किस तरह से इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ चीज़ें फिल्टर करनी होंगी, फिल्टर करने के साथ साथ में हम कैसे देखें उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इस पूरे वीक आपका यही काम है कि इसको प्लस वो जितने हम अपने चैप्टर्स हैं उनकी सबकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, और इसकी मार्किंग कर करके हमें शेयर कीजिए आप, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इसकी मार्किंग में करके शेयर कीजिए, फिर एक स्टेप और इसी फॉर्मेशन में 4 PN में ही एक स्टेप हम और आगे बढ़ेंगे। ओके थैंक यू सभी लोगों को, गुड बाय, और नेक्स्ट वीक में वापस से मिलते हैं।